देख रहे हैं फोर पिलर लाइफ। बच्ची कांचल की समृद्धि संस्कृति विरासत को उसकी पहचान दिलाने भारत के जनगणना में उपयोग एवं बज्जिका को राज्य सरकार के मान्यता दिलाने के उद्देश्य से चल रहे बज्जिका बचाओ आंदोलन का संवाददाता सम्मेलन आज रखा गया था। आपको बता दें पटना में स्थित बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के कार्यालय सभागार में यह सम्मेलन संपन्न हो गया है। पत्रकारों से बातचीत में बज्जिका का पुरुष आपको बता दें कि पत्रकारों से बातचीत में बज्जिका की पुरातत्व विशेषज्ञ विद्या चौधरी ने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि किसी भी राष्ट्र की पहचान उस राष्ट्र की भाषा और संस्कृति से होती है। इसी पूरे मुद्दे पर आज ये सम्मेलन संपन्न हुआ। आप देखने वाली बात होगी कि आखिर इस मुद्दे पर क्या बात होता है। लेकिन कुछ परिवार के लोगों की भाषा है, इतिहास में जो है विद्या जी बता सके थे। विद्या जी की है सुचु अधिकारी बताएंगे। इसको सर करके दरभंगा में सर बज्जिका के आंदोलन था और दरभंगा में दिक्कत काम पड़े मिले पाँच मिनट में बज्जिका बचाओ आंदोलन आज इसलिए उस संबंध में ये लिखो हो रहा है कि बाकी बिहार में जो बाकी भाषाएं हैं सबको अपना स्थान स्थान मिलेगा लेकिन बज्जिका अपनी जगह पर उपेक्षित है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि बज्जिका जन जन तक पहुंचे, इसमें आम आदमी जागरूक हो और इस जनगणना में इसका नाम जाए। उसमें जो मातृभाषा की जो जगह है या भाषा की जगह है उस जगह पर हिंदी या अन्य भाषा का नाम नहीं दे करके बज्जिका नाम हो। इसके साथ साथ स्कूल में कम से कम कॉलेज में बाद में जाए लेकिन स्कूल के स्तर पर इसकी पढ़ाई अवश्य हो सरकार के स्तर से। इसलिए हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। अपना नाम बता दें। मेरा नाम डॉक्टर विद्या चौधरी हुआ, पुरातत्वविद हूँ और बज्जिका से अपनी मातृभाषा है इसलिए इसकी सेवा कर रहे हैं। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारा चैनल फोर पिलर लाइफ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को करें लाइक, साथ ही हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब।